ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो बोल रहे हैं फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेंसेज, एक साथ में दो या दो से ज्यादा लेंसेज लगा दिए जाए। मतलब मैंने क्या किया, एक ये लेंस था कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स और इसके कॉन्वेक्स और इसके आगे लगा दिया कॉनकेव, और फिर से लगा दिया क्या कॉन्वेक्स, और फिर से लगा दिया क्या कॉनकेव, और फिर से लगा दिया मैंने क्या कॉनकेव, मान लीजिए ऐसे कुछ भी मस्ती कर रहा हूं, मजे ले रहा हूं। इसकी पावर मान लीजिए प्लस टू है, इसकी पावर माइनस थ्री है, इसकी पावर प्लस फाइव है, इसकी पावर माइनस वन है, और इसकी पावर माइनस थ्री है। अब ये हो गया मान लीजिए P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, ये हो गया P4, और ये हो गया आपका P5। तो जो टोटल पावर आएगी वो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 और जितने भी पावर्स होंगी उन सभी का सम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर टोटल पावर कितनी हो गई बताओ जरा, यहां पर टोटल पावर हो गई 2 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 3, तो देखो 7 और यहां पर भी 6, तो पावर क्या हो गई जीरो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा आपने कर दिया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने इसको ले लिया क्या माइनस 4 ले लिया, तो यहां पर माइनस 4 आएगा, तो इस केस में पावर कितनी आएगी माइनस 1, और माइनस वन का मतलब यह है कि लाइट जब यहां से बाहर निकलेगी तो वो डाइवर्ज होगी, लाइट क्या होगी डाइवर्ज होगी। ऐसा किया जाता है आपके लेंस को मेंटेन करने के लिए, जो लेंस जो पावर आपको चाहिए उसे बनाने के लिए कई बार कॉनकेव और कॉन्वेक्स को मिक्स कर दिया जाता है। आइडियल फोकल आइडियल हमें कन्वर्जन या फिर डाइवर्जन के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कंसिडर टू लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ F1 एंड F2, ठीक है। व्हेन दीज लेंसेज आर कंबाइंड, तो इसकी फोकल लेंथ सिस्टम इज गिवन बाय, अब वो क्या कह रहे हैं, अगर इनकी फोकल लेंथ दी हुई है तो टोटल फोकल लेंथ कैसे मिलेगी, टोटल फोकल लेंथ इनका रेसिप्रोकल होगा, और टोटल पावर कैसे मिलेगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डैश 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 कहां तक n तक जाएगा, डिपेंड करेगा कितनी पावर्स है। और अगर फोकल लेंथ की बात करें तो आप क्या लिखोगे 1 ओवर f, f क्या है इसकी टोटल फोकल लेंथ, मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ है प्लस 2 और इसकी फोकल लेंथ है माइनस 3, तो यहां पे माइनस 3 पुट करोगे तो टोटल फोकल लेंथ आप कैसे निकालोगे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एलसीएम लोगे तो 3 और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 2 ओवर 3, सॉल्व करोगे आंसर कितना आ रहा है एलसीएम 3, गलती से आएगा बेटा, कैसे आएगा गलती से 6 आ रहा है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो आएगी बेटा माइनस 6। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो डाइवर्जन होगा, क्या होगा डाइवर्जन होगा, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी आ रही है नेगेटिव, तो अल्टीमेटली यह कैसा काम करेगा डाइवर्जन का काम करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पावर वाला जो पीछे मैंने आपको बताया वो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, कि टोटल पावर कैसे मिलेगी, टोटल पावर कैसे मिलेगी, जितनी भी पावर्स दी हुई हैं उन सभी का सम। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ऐसे करना है आपको। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो जरा देख लीजिए। If a convex lens is placed in contact with a concave lens and power of this combination is positive, भाई मान लीजिए एक कॉनकेव रखा जाता है और एक कॉन्वेक्स रखा जाता है, यह P1 है और यह P2 है, इन दोनों की पावर को एड किया जाता है, मान लीजिए यह प्लस 5 है और यह माइनस की 2 है, तो भाई टोटल पावर कितनी आएगी P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू प्लस 5 और P2 की वैल्यू माइनस 2, आंसर कितना आ रहा है प्लस का 3। अगर ऐसा है देन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेंसेज बिहेव्स एज अ
कॉन्वेक्स लेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर टोटल पावर आ रही है नेगेटिव तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, कॉनकेव लेंस वाला बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट दे दिया है। अच्छा, इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बिकॉज इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, और अगर हम बात करें कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसीलिए इसकी पावर भी क्या आती है, नेगेटिव आती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, नेगेटिव की भाई स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, देख लेना है, नेगेटिव। क्लियर हो गई बात या नहीं? अच्छा, इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, अ लेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेंस इज यूज्ड इन डिजाइनिंग द कैमरा लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। भाई माइक्रोस्कोप में हमें कितना डाइवर्जन या कन्वर्जन चाहिए, हमें जो ये होता है लेंस देखते हो ना ऐसे आगे पीछे करते हैं, छोटी बड़ी इमेज हो जाती है, वो किसकी वजह से हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज की वजह से। ठीक है, और ये था हमारा लास्ट टॉपिक, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ठीक है, अब बचे हमारे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, नोट कीजिए।